नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे पर तेजस्वी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। इन राजनीतिक दलों ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर बिहार सरकार से मांगा जवाब। सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर खड़े किए सवाल। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर चिराग पासवान ने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आगे उन्होंने कहा कि हाजीपुर हमारे पिता की कर्मभूमि रही है, यहाँ की धरती से उनका विशेष लगाव रहा है। मैं हाजीपुर का अंग हूँ, हाजीपुर का बेटा हूँ। हमारे पिता की पहचान हाजीपुर से है और हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से है। आगे उन्होंने बताया कि हमारे पिता के जाने के बाद आप लोगों ने साथ दिया है। आप लोग अगर नहीं होते तो हम टूट जाते। कुछ लोगों ने हमारी पार्टी और परिवार को तोड़ने के लिए साजिश रची थी। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के जदयू पार्टी को लेकर कह दी ये बात। बीते ही दिनों मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल के कार्यकाल पूरे होने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन बिहार शरीफ के पटेल नगर के सामुदायिक भवन में बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, जहां आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं में बहुत बेचैनी है। इनका जो पूरा का पूरा महागठबंधन है, उसमें जिस प्रकार आपस में पकड़ होनी चाहिए वैसी नहीं है जैसी पकड़ एनडीए में है। आगे उन्होंने कहा कि जदयू में कुछ तो बचा ही नहीं है। पहले ही मैंने कहा था कि जदयू डूबता हुआ जहाज है, वो डूब चुका है। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने कही ये बात। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार की बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटना घटी है, उस पर मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार हतोत्साहित होंगे। जो लोग राजनीति करते हैं, वो इतना ज्यादा न कभी उत्साहित होते हैं और न कभी घबराते हैं। आज बिहार में जो महागठबंधन बना, विपक्षी एकता हुई। पत्रकारों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक के बाद महाराष्ट्र में घटना घटी और आप नीतीश कुमार को हतोत्साहित बता रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं। राजनीति इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जो अभी महागठबंधन की सरकार है, इस पर कोई तुरंत खतरा है। जो भी परिवर्तन होगा या जो होना है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। जेडीयू के कुछ एमपी या भाजपा के कुछ एमपी या फिर आरजेडी के कुछ एमपी एक दूसरे के दल बदल ले या फिर एक दूसरे के संपर्क में है, तो ये चुनाव के पहले होने वाली सामान्य घटना है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार को दी चेतावनी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा। बिहार में मौजूद कई राजनीतिक पार्टियां भी इस नीति के खिलाफ बयानबाजी कर रही। अभी बीते ही दिनों इस नीति को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार को इसके विरुद्ध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। अब इसी कड़ी में इस नीति के खिलाफ पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में धरना दिया गया। इस महाधरने का आयोजन पटना के गर्दनी बाग में हुआ, जहाँ पप्पू यादव भी शामिल हुए। धरने में शामिल होने को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार की कई बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी तो हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले 9 जुलाई को हम लोग पूरे बिहार में एनएच को जाम करेंगे, और अगर बात नहीं मानी गई तो आगामी 16 जुलाई को पूरे बिहार में रेल चक्का जाम करेंगे। हम छात्रों के हित में आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। सरकारों को छात्रों की बात माननी पड़ेगी। इन राजनीतिक दलों ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर बिहार सरकार से मांगा जवाब। भाकपा माले, माकपा और भाकपा के नेताओं के ने शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर एक संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने बिहार सरकार से शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को खत्म किए जाने और नियमावली पर पुनर्विचार करने की मांग करने पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को वाजिब सवालों का जवाब देना होगा। बता दें कि माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक समाप्त होने के बाद एक संयुक्त बयान के दौरान नेताओं ने कहा कि शिक्षक नियमावली 2023 से वाम दलों की सहमति नहीं है। सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर खड़े किए सवाल। अभी हाल में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद देखने को मिला। अब इस गहराते विवाद को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और विभागीय प्रधान सचिव में विवाद चल रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मंत्री चंद्रशेखर कभी रामचरितमानस पर जातिवाद टिप्पणी करते हैं, तो कभी हवाई अड्डे पर उनके सामान में कारतूस मिलता है, कभी मीडिया में प्रचार पाने के लिए वे कुलाधिपति के समक्ष राजनीतिक भाषण करने लगते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री छात्रों को क्या संदेश देंगे। बीजेपी के इस नेता ने नीतीश सरकार के गिरने को लेकर कही ये बात।
मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर पटना के नजदीक पुनपुन प्रखंड में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार को लेकर कहा कि बिहार में नीतीश सरकार अस्थिर होने जा रही है। 23वीं पर चार्जशीट दायर है, लेकिन नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा मांगेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर वो इस्तीफा मांगते हैं तो ऐसे में उनकी कुर्सी बचेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये सब देखने के बाद साफ है कि नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा मंत्री को लेकर कह दी ये बात। पीत पत्र लिखे जाने के मामले में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव की विभाग में एंट्री पर रोक लग चुकी है। इस मामले को लेकर विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई से गलभैया कर दिनदहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है, पर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। आगे उन्होंने कहा कि अब तो हद ही हो गई है। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जब मंत्री और मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी हो कि सतह पर उभर कर सामने आ जाए तो शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। बीजेपी नेता ने आरजेडी पार्टी को लेकर कह दी ये बात। जहां राजद अपने 27वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रही थी, तो वहीं अब इसके विरोधी दल पार्टी के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने राजद पार्टी को लेकर कहा कि राजद के अंदर एक ईमानदार चरित्रवान व्यक्ति राजद का नेतृत्व करता, लेकिन न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त शख्स पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन देश को चलाने वाले एक चरित्रवान व्यक्ति पर धमकी भरे लहजे में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे हैं। ऐसा करके लालू यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतंत्र की धरती की जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर आपको बिहार का सीएम बनाया था, और आपने बिहार के गरीबों के गाड़ी कमाई को लूटकर जिस भ्रष्टाचार से आपने आकुत संपत्ति खड़ा किया है, उस आकुत संपत्ति का जब हिसाब किताब मांग रहा है, चार्जशीट किया जा रहा है आपके पुत्र को, तो आपका विचलित होना ये बताता है कि आगे की राजनीति भ्रष्टाचार पर आधारित करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे पर तेजस्वी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के जिला सम्मेलन में संबोधन के दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम नीतीश में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले। आगे उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने की बारी है। उन्होंने अपनी पार्टी की चर्चा करते हुए कहा कि जब अपनी पार्टी बनाई थी उस समय ही संकल्प लिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। इसी उम्मीद विश्वास के साथ अपनी राजनीति की तमाम जमा पूंजी को खत्म करते हुए रालोसपा को जदयू के साथ लेकर गए थे। राजद विधायक ने कहा, बिहार सरकार के कई अधिकारी बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं काम। इन दिनों बिहार में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई है। अब इसी पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार सरकार के कई पदाधिकारी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी सरकार कान पकड़ कर बाहर निकालने का काम करेगी। आगे उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब में कहा कि यह महागठबंधन की सरकार है और सब कुछ ऑल इज वेल है, वैसे पदाधिकारी पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी जो सरकार की बात नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और उसे हटाने का काम करती है। साथ इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। शुभेंदु अधिकारी के दावे को टीएमसी ने किया खारिज। शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद विपक्षी पार्टी यानी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी छोड़ी उससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने मुझे दिसंबर 2020 में उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने ये बातें एक रैली के संबोधन के दौरान कही। आगे उन्होंने बताया कि टीएमसी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया था ताकि पश्चिम बंगाल को बचा सकूं। मैं तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बता दें कि टीएमसी द्वारा शुभेंदु अधिकारी के इस दावे को खारिज कर दिया गया। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कही ये बात। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी एनसीपी पार्टी काफी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी छोड़ सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब नए नेताओं की एक पीढ़ी तैयार करने का वक्त आ चुका है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चाहे कोई भी दावा कर रहा हो, लेकिन इससे छिनना संभव नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि विधायक आते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, शिकायत मत करो, वे जहां भी हो उन्हें खुशी से रहने देना चाहिए। जब तक हम साथ हैं, आइए नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए काम करें।
रालोजित के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से किए सवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन घोटाला के मामले में सीबीआई के तरफ से चार्जशीट दाखिल किए जाने को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी रालोजित के प्रदेश रमेश सिंह कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने की बात करने वाले नीतीश कुमार अब महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर हुई चार्जशीट के बाद भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं या महागठबंधन से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर चल रहे विवाद का किया खारिज। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच घमासान देखने को मिल रहा था। अब चल रहे इन्हीं विवादों के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली जाने से पहले शिक्षा मंत्री को अपने आवास पर मुलाकात के लिए बुलाया। जब मंत्री चंद्रशेखर मुलाकात के लिए पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले को लेकर कहा कि कोई विवाद नहीं है, चीजों को देख और समझ रहा हूं, मीडिया के जरिए पता चला है और अब एक एक चीज बारीकी से देख रहा हूं, कोई विवाद बढ़ाई नहीं है। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। मदरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने मदरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, विपिन वर्मा, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजद विधायक द्वारा बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे से चलने का आरोप लगाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।